नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग सीरीज़ मेरी जो बाली की थी वो ख़त्म हो चुकी है, और उसके बाद काफ़ी टाइम से प्लानिंग चल रहा था कि कहाँ जाना है नेक्स्ट ट्रिप के लिए अपना। तो फाइनली इस निष्कर्ष पे निकले हैं कि जैसलमेर जाया जाए, और इट्स माई फर्स्ट डे हेयर। कल रात को पहुँचे थे यहाँ पे, हाँ घर से निकले थे 6 से 7 बजे के आसपास हम लोग, और यहाँ पे सुबह पहुँचे हैं लगभग 6 बजे के आसपास, 5:30-6 के आसपास हम यहाँ पहुँच चुके थे। बट रात को इतना कुछ खाने का था नहीं, क्योंकि अंधेरा हो गया सब जगह और हम भी थक गए थे। हमारे होटल से हम खाना वाना खा के रेस्ट करके निकल चुके हैं अभी। तो अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ का जो मेन फोर्ट है, विच इज़ जैसलमेर फोर्ट। तो इसका एक लुक आप लोगों को दिखाया जाए, हैव अ लुक। जिसमें मैं आपका स्वागत है, मेरा नाम वसीम खान। 12 जुलाई 1956 को इस किले की नींव रखी थी महाराज जैसल ने। किंग का नाम था जैसल और मेरू इस पर्वत पहाड़ी को बोलते थे, माउंटेन को। जैसल प्लस मेरू दोनों मिलकर बने जैसलमेर, इसलिए इस सिटी का नाम पड़ गया जैसलमेर। यहाँ जो फोर्ट देख रहे हो ये राजस्थान का 2nd नंबर का लिविंग फोर्ट है। 1st का जो लिविंग एरिया है वो चित्तौड़गढ़ वाला, उसके अंदर लोग रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, गायें वगैरह सब कुछ है। इस किले की खासियत है इसके अंदर जो लोग रहते हैं 90% बिजनेस किले के अंदर करते हैं। दो जाति के लोग रहते हैं, पहली जाति ब्राह्मण और दूसरा राजपूत क्षत्रिय। ब्राह्मण राजा के सलाहकार होते थे और राजपूत क्षत्रिय राजा जी सोल्जर्स का काम करते थे, इसलिए दोनों कास्ट इस फोर्ट की इनसाइड में रहती है। 1st जो है ब्राह्मण, जो कि राजा के एडवाइज़र होते थे। 2nd राजपूत क्षत्रिय, राजा के निजे सोल्जर्स का काम करते थे, इसलिए दोनों कास्ट इस फोर्ट की इनसाइड में रहती है। ये आप फोर्ट देख रहे हो ये राजस्थान का सबसे ओल्डेस्ट फोर्ट है, 2nd फोर्ट है। 863 साल पुराना किला है, और 1st का जो 863 साल पुराना किला, 1st का जो लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़ वाला, वो 1000 साल पुराना है। इस किले की खासियत है कि ना इसके अंदर चूना यूज़ हुआ है, ना ही सीमेंट यूज़ हुआ है, ना ही मिट्टी यूज़ हुई, ना ही पानी यूज़ हुआ है। जैसलमेर के अंदर ओल्ड टाइम में पानी की बहुत बड़ी कमी हुआ करती थी, इसलिए यहाँ पर तो यूज़ करते थे पत्थर को इंटरलॉक सिस्टम किया गया है, पत्थर के अंदर पत्थर लॉक किया गया, बाद में बनाया गया किला। अभी जो यहाँ का किंग है प्रेजेंट के बृजराज सिंह जी भाटी, दिल्ली गुड़गांव के अंदर रहते हैं। राजा रानी का म्यूजियम का फाइनेंस है, उनकी 5-स्टार होटल है, गेस्ट हाउस है, सारा का सारा फाइनेंस इस किंग को जाता है बृजराज सिंह भाटी को। 2 बार मुगलों ने इस किले के ऊपर अटैक किया है, पहला मोहम्मद गोई और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी ने, 2 बार यहाँ पर जौहर हुआ था। और इस फोर्ट के ऊपर 863 साल पुराना 1156 के अंदर बनाया था किला। पहले के टाइम में जब हथियार यूज़ करते थे, जब बाबर आया था इस भारत के अंदर, जब तो गन वगैरह लेके आया था, ओल्ड टाइम में क्या करते थे, वो पत्थर होते थे लड्डू जैसे पत्थर दीवार के ऊपर पड़े हैं, वो पत्थर जब सेना के अंदर घुसने की कोशिश करते थे पत्थर उनके ऊपर गिरा जाते थे, यूज़ किए जाते थे। और ये जो बेलनाकार पत्थर ये भी यूज़ करते थे। और ये जालियाँ पड़ी है, जालियों के अंदर से गर्म तेल और गर्म पानी बांधे थे ताकि दुश्मन फिसल कर नीचे जाए, आगे ना बढ़ पाए। और अभी जो इस सिटी को बोलते हैं गोल्डन सिटी बोलते हैं, गोल्डन सिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि मॉर्निंग टाइम जब सूर्य की किरणें पड़ती है, सनलाइट पड़ेगा, जो जिसमें का पीला पत्थर है ये शाइनिंग करेगा, सोने जैसा चमकेगा, इसलिए इसको गोल्डन सिटी बोलते हैं और इसके लिए गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। ये जो टावर पड़ा है इसका नाम है बैरी साल ब्रुज। बैरी का मतलब दुश्मन, साल का मतलब सजा। जब राजा के टाइम में मौत की सजा देते थे उस समय क्या करते थे, इसके अंदर 100 फुट का कुआ है, उसमें उनको पैरों के बल पकड़ा जाता था सैनिकों द्वारा, और सिर के नीचे किया जाता था और नीचे गिरा दिया जाता था 100 फुट के कुएं के अंदर, इसको मौत का कुआ बोलते हैं। जी हाँ, ओल्ड टाइम में कारागृह जेल हुआ करती थी, अमर शाह की सागरमल गोपाल लिखा हुआ है, जेल हुआ करती थी। अभी बच्चों का पढ़ने का स्कूल है, स्कूल बना दिया इसको। और अभी जो किंग है वो बृजराज सिंह दिल्ली गुड़गांव के अंदर रहता है। अभी हम चलेंगे पहले जैन टेम्पल दर्शन करने के चलेंगे, जैन टेम्पल के बाद में हम राजा रानी के पैलेस चलेंगे, फिर सिटी का व्यू पॉइंट कैनन पॉइंट देख कर वापस एग्जिट भी यहीं से निकलेंगे। इस किले के 4 गेट है। 1st गेट आपने एंट्री किया था, उसका नाम था अखी गेट, मारवाड़ी गेट को प्रोल बोलते हैं। क्या नाम बताया आपने? अखी गेट, अखी प्रोल। 2nd गेट का नाम है सूरज प्रोल, 3rd गेट का नाम है गणेश प्रोल, एंड 4th गेट का नाम है हवा प्रोल। इन 4 गेटों की खासियत है कि आप 1st गेट से 2nd गेट नहीं देखेगा, 2nd से 3rd नहीं देखेगा, 3rd से 4th नहीं देखेगा, क्योंकि ओल्ड टाइम में जब दुश्मन हमला करते थे यहाँ पर किले के अंदर, दुश्मनों को पता ना चल पाए सांप के आकार के टन बटन बनाए गए हैं वो। अभी हम चलेंगे जैन टेम्पल के अंदर, चलें। ये इंडिया का ओनली ऐसा फोर्ट है जो कि लिविंग फोर्ट है, मतलब यहाँ पे अंदर लोग रहते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, लोग घूमने आते हैं। सो ये यहाँ की यूनिकनेस है। 3rd गेट गणेश गेट, इस किले का जो पहला गेट था किले का वही बना था 3rd गेट गणेश गेट।
आप देख सकते हैं यहाँ पे एज एन इन्विटेशन कार्ड ये लिखा हुआ है, मयंक संग अंगली, मतलब मैरिज का इन्विटेशन कार्ड है। तो यहाँ पे जब भी किसी की शादी वगैरह कुछ होती है तो लोग ऐसे ही लिख देते हैं, तो मतलब ओपन इन्विटेशन होता है, सबके लिए इन्विटेशन होता है, विच इज डिफरेंट। टिकट लगेगा और मोबाइल कैमरा का 30 रुपये टिकट लगेगा। अगर आप लोग कैमरा अगर कुछ यूज़ नहीं करना चाहते हो तो हम दर्शन कर लेंगे, चलेंगे अंदर ऐसे ही दर्शन करके आ जाएंगे वापस। आप लोगों के लिए 50 रुपये लगा दिए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों को हम जैन टेंपल पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये दिखने में तो लग रही होगी कि वाइट मार्बल की है, बट ये मार्बल की नहीं है, ये मिट्टी की बनी, जो डेजर्ट में जो मिट्टी पाई जाती है उस मिट्टी से ये मूर्ति को बनाया गया है। और पूरा जो ये मंदिर है, 600 साल पुराना ये मंदिर है, और लेकिन देखिए कह नहीं सकते कि 600 साल पुराना मंदिर है, आज भी मतलब इतना सुंदर और चमकदार दिख रहा है बिल्कुल सारा। और जो अंदर यहाँ पे इन्होंने जो मार्बल यूज़ किया गया, इन्होंने बताया कि वैसे तो बहुत 2-3 तरह की वैरायटी बताई जो इन्होंने यूज़ किया, बट एक मेरे को बहुत स्पेशल और बहुत अलग लगा, जो कि था कि एक ऐसा इन्होंने ग्रेनाइट यहाँ पे यूज़ किया कि जिसको अगर हम उसका पिरामिड हम अपने घर में या गाड़ी में या कहीं पर भी रखते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को सबको वो हमारी बाहर करता है, मतलब सारी पॉजिटिव वाइब्स घर में रहेंगे और नेगेटिव एनर्जी को सबको वो बाहर करता है। और सारा जो ये मंदिर और ये बना हुआ है, ये सारा इंटरलॉकिंग बेस पे बना हुआ, मतलब एक पत्थर दूसरे पत्थर के साथ अटैच है, कोई मिट्टी का या कोई चूने का यहाँ पे इन्होंने यूज़ नहीं किया हुआ है, विच इज़ वेरी यूनिक, जो कि मतलब यहाँ की खासियत है इस मंदिर की स्पेशली। जैन मंदिर का सारा हमने एक्सप्लोर कर लिया, जैन मंदिर हमने आप लोगों को दिखाया जो कि बेहद सुंदर, बहुत खूबसूरत है। तो ये देखने के बाद अब हम निकल रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ के टॉप पॉइंट पे, जहाँ से कि सिटी का व्यू बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं। और वहाँ पे एक नदी है, लेक है, जो तो पहले के टाइम जब यहाँ पानी नहीं होता था तो यहाँ पे गांव के लोग यहाँ से पानी लेके जाते थे अपने घर के यूज़ के लिए, पर अब जैसे कि ये टूरिस्ट प्लेस हो चुका है तो फॉरनर्स लोग जब यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बोटिंग वोटिंग करके पानी गंदा हो गया, वो तो वो यूज़ करने के लायक नहीं रहा है यहाँ पर। और मेरे पीछे आप देख सकते हो वो एक हवेली है, तो वो राजा के उन टाइम पे बनने में उसको 60 साल लग गए थे लगभग, वो राजा के मंत्री की हवेली है। राजा जब भी यहाँ पे शिकार के लिए जाते थे तो पीछे से जो उनका सारा फाइनेंशियल सिस्टम था तो वो जो उनके मंत्री संभालते थे, ये उनकी हवेली है। और मेरे पीछे आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मतलब कह सकते कि मिसाइल लुक इसका है, एक और टॉप है, और मतलब ये 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है, 5 धातुओं से मिलके बनी हुई है ये। और जहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये अभी तो खाली है, बट उस टाइम पे जब इसको यूज़ करते थे, इसमें जैसे बम बारूद करके जब यहाँ पे करते तो 1 किलोमीटर तक की दूरी पर जो है कि बम जाके गिरता था, और इसमें पानी होता था तो जो पीछे से यहाँ पे आग लगाते थे जिससे कि वो बम जाके गिरता था, तो पानी में कूद के लोग अपने कान बंद कर लेते थे जिससे कि उनके कानों के पर्दों पर कोई इफेक्ट ना आया, कानों के पर्दे ना फटे, तो उनके सेफ्टी पर्पज़ के लिए यहाँ पर पानी होता था। और इस पॉइंट से जो पीछे की शहर का व्यू बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ऊपर आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। आई थिंक तो फोर्ट की मुंह दिखाई के बाद अब हम निकल रहे हैं पेट पूजा के लिए, भूख लगी है बहुत ज़्यादा, तो चलते हैं रोटी खाने।